त्राल से इस वक्त बड़ी खबर, लोकल को जो है गोली का निशाना बनाया गया है और उसका नाम भी सामने आ चुका है, यूपी से ताल्लुक रखने वाला शुभम जो 19 साल का है, 19 साल जिसकी उम्र है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, ये तस्वीरें आप देखिए। हमारे साथ शेख कौसर ज्वाइन कर चुके हैं त्राल से, हमारे नुमाइंदे। कौसर बताइएगा क्या है जानकारी। जी बिल्कुल प्रियंका, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह सवेरे पाटगोट त्राल में गोली चलने की आवाजें सुनाई गई है, तो उसके फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ पे पूरे इलाके को मास्टर में ले लिया गया। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक शुभम नामी जो 19 साल का लड़का है वो यहाँ पे नाई का काम कर रहा था, वो यहाँ परगुण में ही डेरे पे, उसका डेरा यहीं पे है, तो उसके हाथ में गोली लगी हुई है। हालांकि पूरे इलाके को मास्टर में ले लिया गया है, हमलावरों की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि ये वाकई में मिल्टन टू ने अटैक किया है या किसी और ने। अभी इसकी जांच चल रही है, फिलहाल यहाँ पे पूरे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। जी बिल्कुल। और ये उस वक्त कहाँ पर मौजूद था, काम पे था या कहाँ पे काम करता है, कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इसका डेरा है बड़गुण में, तो ये बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे बाहर निकला था, तो बाहर नामालूम बंदूक बरदारों ने इस पे फायर खोला है, जो कि इसके हाथ में गोली लगी है। उसके बाद इसको नजदीकी हॉस्पिटल त्राल लिया गया है, जहाँ से उसको जो बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर रेफर किया गया। तो इसकी हालत अभी बताया जा रहा है स्टेबल है, लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन पुलिस की तरफ से कोई नहीं मिल पा रही है, तो जो ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो हम कोशिश करेंगे ये आप तक पहुंचाने की। फिलहाल हम मैं भी इस टाइम मौजूद हूँ बरगुड़ इलाके में, यहाँ पे जो पूरे इलाका है वो मास्टर में ले लिया गया है, तो अभी भी यहाँ पे हमलावरों की तलाश जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कौसर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो त्राल से हमारे संवाददाता कौसर ज्वाइन किए हुए थे, जो बता रहे थे कि एक यूपी से ताल्लुक रखने वाले नॉन लोकल को निशाना बनाया गया है, और पहला जो अभी गगनगीर में अटैक हुआ वो अभी कोई भुला भी नहीं पाया है कि एक और अटैक हुआ है, एक और जो नॉन लोकल लेबर है उसे गोली का निशाना बनाया गया है। तो त्राल के बटगुंड से ये खबर मैं आपको बता रही थी, जो बटगुंड से खबर सामने आ रही है वहां पर एक नॉन लोकल को गोली का निशाना बनाया गया है। फिलहाल इंजरी हुई है, अभी सही सलामत है, स्टेबल उसकी हालत बताई जा रही है। यूपी से ताल्लुक रखने वाला शुभम कुमार, 19 साला शुभम कुमार, जो यहां पर काम करने के लिए आया था, इस तरह से उसको गोली का निशाना बनाया गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि हर किसी का दिल दहल चुका है, चाहे वो लोकल हो, नॉन लोकल हो, कश्मीरी हो या कोई भी शख्स हो, हर कोई कहता है, कंडेम करता है इस तरह के अटैक्स को, क्योंकि जो मासूम बाहर से यहाँ पर अपना काम करने के लिए आते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, अपने रोजगार को कमाने आते हैं, अभी 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें एक लोकल और 6 नॉन लोकल थे। आज फिर एक नॉन लोकल को त्राल के बटगुन इलाके में गोली का निशाना बनाया गया है, और फिलहाल जैसे ही पुलिस की तरफ से कुछ कन्फर्मेशन आएगी आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगी, इसी खबर के साथ लूंगी इजाजत। देखते रहे जेके न्यूज़।